आइलवा क्रांति के जबनवा हो, आइलवा क्रांति के जबनवा कफनवा साथी साथ ले ले आवा, आइलवा क्रांति के जबनवा कफनवा साथी साथ ले ले आवा, अपने आवो अपना भैया के ले आवो, अपने आवो अपना भैया के ले आवो, किसान मजदूर मिली एकता बनावो, किसान मजदूर मिली एकता बनावो, किसान वृद्धि सरकार के सबक सिखावो, किसान विरोधी सरकार के सबक सिखावो, झेली झेली सरकार के जुलमवा हो, झेली सरकार के जुलमवा कफनवा साथी साथ ले ले आवो, आइलवा क्रांति के जबनवा हो, आइलवा क्रांति के जबनवा कफनवा साथी साथ ले ले आवो, ये जो कफन साथ लेने के आने के आह्वान इसलिए है कि जो दिल्ली के सीमा पर किसान आंदोलन चल रहा है उसमें अब तक 7 बुजुर्ग किसान अब तक उनकी हार्ट अटैक और ठंड की वजह से वो शहादत हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए आह्वान किया गया है कि आइल व क्रांति के जवानों का फनवा साथी साथ ले ले आओ, आइलवा क्रांति के जबनवा कफनवा साथी साथ ले ले आवो, किसान विरोधी कानून भगावो, किसान विरोधी कानून मिटावो, जन जन में बतिया बतावो, जन जन में बतिया बताओ, करी गलत नीति के बखनवा हो, करी गलत नीति के बखनवा कफनवा साथी साथ ले ले आवो, आइलवा क्रांति के जबनवा कफनवा साथी साथ ले ले आवो, जब ले न ली है ना वापस कानूनवा, जब ले न ली है ना वापस कानूनवा, कृषि नियमावा में करी संशोधनवा, कृषि नियमावा में करी संशोधनवा, सरकार के गारंटर बनावा हो, सरकार के गारंटर बनाओ कफनवा साथी साथ ले ले आओ, आइलवा क्रांति के जबनवा कफनवा साथी साथ ले ले आओ, करे सीताराम सर कर शेर जवा, किसान के पैर में न बांध बंधनवा, कर सीताराम सर कर शेर जवा, किसान के पैर में न बांध बंधनवा, किसान मानिए न तुहरो, किसान मानिए न तुहरो कहनवा, कफनवा साथी साथ ले ले आओ,
कफनवा साथी साथ ले आ। धन्यवाद दोस्तों। जो दिल्ली के आसपास सीमावर्ती क्षेत्रों में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, उसमें अब तक 7 किसान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, शहादत हुए हैं। उनकी शहादत को हम नमन करते हैं। और इसके साथ ही आज का विषय वस्तु को लेकर के हम अपना वक्तव्य जारी रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, दोस्तों, ग्राम पंचायत राज कदमवा सहित संपूर्ण भारत के किसान मजदूर भाइयों, मैं सीताराम प्रसाद पूर्व नौसैनिक आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि केंद्र प्रदेश में बैठे, मैं केंद्र और प्रदेश दोनों को इसलिए बोल रहा हूं कि जितना जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है उसे कम जिम्मेवारी प्रदेश में बैठी सरकार की भी नहीं है। यदि प्रदेश सरकार अपने विधानसभा में कानून पास नहीं करेगी तो केंद्र सरकार उस कानून को वहां मतलब लागू करने में सक्षम नहीं हो पाएगी, या उनको लगेगा कि प्रत्येक स्टेट के विधानसभा में इस कानून का विरोध हो रहा है तो केंद्र सरकार को ये अपना नियम वापस लेना पड़ेगा। इसलिए केंद्र और प्रदेश में बैठी सरकार दोनों से को सद्बुद्धि आए, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। और जो 3 विधेयक सरकार लॉकडाउन के समय में जब मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो सकती थी, उस समय अध्यादेश के माध्यम से लागू की, उनको वापस कर। मेरा मानना है कि सरकार बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी कदम उठाई है, जिसमें पहला कदम तो था किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें हर किसान को मतलब साल में 6,000 रुपया मिलने का आश्वासन दिया गया था। ये बात अलग है कि सब किसान लाभान्वित नहीं हुए हैं, तो उसमें हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। उसमें हमारे जो जनसेवक है, प्रतिनिधि है, उनकी जानकारी और उनका सहयोग आम जनता के प्रति निरंकुश और उदासीन रहा है। इसलिए जो भी ग्राम पंचायत है या प्रखंड है या जिला है या स्टेट है, वहाँ की सरकार को सम्मान निधि योजना से पूर्णतः लाभ नहीं हुआ है, लेकिन सरकार तो यहाँ अपना कर्तव्य निभाई है और किसान के प्रति कुछ सकारात्मक कदम उठाई है, इसलिए सरकार तो धन्यवाद के पात्र जरूर है। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो विपक्ष में बैठी सरकारें आज केंद्र सरकार को घेर रही है, उनको मतलब नैतिकता की कोई हद है कि जो इतने साल तक विपक्ष में रहा, सरकार में रहा, और वो कृषि कानून में कोई ऐसा क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया और किसान आज दुखी नहीं है, ये 60-70 वर्ष से दुखी है, लेकिन आज राजनीति रोटी सेकने के लिए पहले बीजेपी विपक्ष में थी तब, और आज कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जो विपक्ष में है, तो राजनीतिक रोटी सेकने के माध्यम से सरकार का विरोध कर रही है। हालांकि किसान के एंगल से सोचा जाए तो ये जायज है, लेकिन कोई जायज काम करने के लिए भी यदि किसी नाजायज
जायज काम करने के लिए भी यदि किसी नाजायज व्यक्ति का समर्थन लेते हैं तो वो मांग जायज लगभग नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए सारे किसान संगठनों से विनती है कि जहां भी किसान आंदोलन हो रहा है वहां पे गलत नीति और सोच रखने वालों का बहिष्कार करें और वहां से खदेड़ कर भगाया जाए ताकि किसान आंदोलन का जो मुख्य मुद्दा है वो उलझे नहीं। जैसे बहुत सारी जगहों पर हमने पाया कि खालिस्तान जिंदाबाद, ये देश विरोधी जो नारा लगाया जा रहा है, मैं इसकी भी पुष्टि नहीं करता हूं क्योंकि हो सकता है कि कुछ शरारती तत्व किसान आंदोलन दबाने के लिए ऐसा षड्यंत्र कर रहा हो। फिर भी एक सच्चा नागरिक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी किसान संगठन दिल्ली के आसपास बॉर्डर पर जमे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं, वो देश विरोधी किसी भी देश विरोधी कार्य में न भाग ले और जो देश विरोधी नारा लगा रहे हैं उनको वहां टिकने दें। तभी एक सच्चा जवान, सच्चा किसान और सच्चा देशभक्त अपने मांग को रखने के काबिल रहेंगे, नहीं तो इस आंदोलन को भी किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार होकर के दबना पड़ेगा। आगे मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाई है। अब आप लोगों को मैं इसको इसकी तुलना मैं पूर्ववर्ती सरकार से करूंगा कि लॉकडाउन के बीच में आप लोग सुने होंगे प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य कि आपदा को अवसर में बदलिए। प्रधानमंत्री जी का इस वक्तव्य को जहां विरोधी अपने ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति रोटी सेकने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि सरकार लॉकडाउन को अपना हथियार बनाया और कृषि कानून को संशोधन करके लागू किया जिससे वो अपने उद्योगपति दोस्तों को, मित्रों को फायदा पहुंचा सके और ढेर सारी कानूनों में बदलाव किया अध्यादेश के माध्यम से। चूंकि हम लोग किसान और जवान समुदाय और फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं तो हमें ना तो पक्ष और ना ही विपक्ष से कोई मतलब होता है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ देश और देशवासी की भलाई की चिंता होती है और उनके लिए जो भी अच्छा होता है देश के लिए और देशवासी के लिए, उस मुद्दा को हम लोग सरकार के सामने रखते हैं और अपना विरोध वैचारिक और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराते हैं। और इसीलिए मैं ना तो पक्ष और ना ही विपक्ष की बात को तरजीह देना चाहता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को बहुत ही संजीदगी से सोचने का अवसर है कि आपदा को अवसर में बदलिए। दोस्तों, वैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगभग रिकॉर्ड तोड़ विदेश भ्रमण किए हैं और सही मायने में मैं बोलूं तो इसका बहुत फायदा भी हुआ है कि बहुत सारे देशों से हमें समर्थन मिला है संबंध बनाने में। और
रक्षा तथा शांति व्यापार सब में हमें सहायता मिला है। तो आपदा को अवसर में बदलने वाली वक्तव्य को मैं जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हर देश के राष्ट्राध्यक्ष से लॉकडाउन के क्रम में श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय प्रधानमंत्री जी को चर्चा करने का अवसर मिला होगा और जितने भी देश हैं वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष अपने देश में लॉकडाउन के बीच में उत्पन्न स्थिति के बारे में बताए होंगे। और मेरा मानना है कि जहाँ जहाँ संसाधन की कमी हुई होगी वो हमारे प्रधानमंत्री जी के दिमाग में या केंद्रीय मंत्रिमंडल के दिमाग में या जितने विदेश सचिव स्तर के IAS IFS अफसर होंगे उनको दिमाग में आया होगा। जैसे आज पता चला है कि चाइना में चावल का उत्पादन बहुत ही कम होता है, ना के बराबर है, वहाँ की भूमि वैसा नहीं है। भूटान का भी स्थिति वैसे ही है, मंगोलिया का भी वैसे ही है, बहुत सारे देश हैं जहाँ पे खाद्य पदार्थ की उपज कम होती है परंतु अन्य उत्पाद वहाँ पे ज्यादा होती है। तो असली डिमांड कहाँ है, कैसा है, क्या है, ये लॉकडाउन के बाद पता चला, क्योंकि अन्य देशों में जो वस्तुएं हैं वहाँ की सरकारें वैसे कंट्रोल करके उत्पादन कराती है ताकि उसकी वैल्यू मूल्य हमेशा अन्य देशों में डिमांड ज्यादा हो। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की लगभग 70% आबादी 70% आबादी किसी न किसी रूप में कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी बहुत ही दुख की बात है कि किसान के देखरेख के लिए कोई आयोग नहीं बना है ताकि कौन सा फसल किस मिट्टी में किस क्षेत्र में कितना मात्रा में उसका उत्पादन करे ताकि ताकि एक ही चीज की खेती पूरे ज्यादा मात्रा में हो जाए और उसे किसान को नुकसान पहुंचे। होना यह चाहिए कि सरकार किसान आयोग का गठन करे जिसमें हर स्टेट के किसानों का रहनुमा हो, किसान कॉलेज के वैज्ञानिक हो और उनकी जो भूमि है उसके अनुसार उनकी जांच करके और खेती करने के उपाय बताए। और सबसे अहम है कि जो अभी लॉकडाउन के समय में हमें पता चला है कि किस देश में किस चीज की ज्यादा मांग हुए, उन देशों से विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग सृजित किया जाए कि ताकि हर देश में हमारा राजदूत होते हैं, एम्बेसडर नियुक्त होते हैं, वो वहां से आयात निर्यात के लिए आंकड़ा जुटाए, वो आंकड़ा किसान संगठन या किसान आयोग को दे और किसान आयोग की छोटी इकाइयां जो देश से होते हुए ब्लॉक स्तर तक प्रखंड स्तर तक आता है वो आंकड़ा के अनुसार खेती करने के नियमावली बनाए कि यहाँ पे इतना एकड़ में दलहन बोएंगे, इतना एकड़ में तिलहन करेंगे, इतना एकड़ में धान, इतना एकड़ में गेहूं, इतना एकड़ में अन्य सामग्री जूट कपास जो भी वस्तुएं हैं और उनका निर्यात किस देश में करना है, कब करना है, ये सरकार की गारंटी होनी चाहिए। दोस्तों
किसान कोई भी जब ज्यादा मेहनत करता है वो क्या सोचता है कि ज्यादा मेहनत करेंगे ज्यादा उपज होगा तो हमें ज्यादा पैसा होगा। लेकिन किसानों के मामले में हमेशा ये उल्टा होता है। जब भी किसान अपना दलहन तिलहन या कच्चा सब्जी लेकर के बाजार जाता है और देखता है कि दाम गिरे हुए हैं, दाम में गिरावट है, पूछता है कि इतना दाम कैसे गिर गया, तो व्यापारी और अन्य लोग बोलते हैं कि इस साल चावल का उत्पादन धान का उत्पादन बहुत मात्रा में हो गया, किसान लोग ज्यादा बो दिए, इसलिए धान का कीमत कम है, इसलिए गेहूं का कीमत कम है, इसलिए तिलहन का कीमत कम है। जबकि कभी आप सुने हैं कि फला फला टेबलेट का उत्पादन ज्यादा हो गया इसलिए उस टेबलेट का दाम कम हो गया, उस दवाई का दाम कम हो गया, या मोटरसाइकिल उत्पादक जो भी कंपनियां हैं उसका ज्यादा उत्पादन हो गया इसलिए मोटरसाइकिल का दाम गिर गया, या कोई भी कल कारखाना हो ऐसा कभी नहीं सुने होंगे। क्यों? क्योंकि वो वहां पे सरकार एक मंत्रालय बनाई हुई है प्राइस कंट्रोल के लिए, प्राइस के लिए वहां लिख देती है कि ये पेन का एमआरपी 10 रुपया होगा, इस पेन का कीमत 10 रुपया होगा, तो वो 10 रुपया में ही बिकती है। चाहे उत्पादन कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों कितनी शर्म की बात है कि किसान का जब मेहनत ज्यादा होता है तो उनको निराशा मिलती है, और जिस साल वो मेहनत नहीं करते हैं उस साल भी निराशा होती है। क्यों? क्योंकि उस साल उत्पादन नहीं करते, खेत में उपज नहीं किए रहते हैं, तो उस साल बेचेंगे क्या? जब उत्पादन ही नहीं होगी तो बेचेंगे क्या? तो ये सब मान मनोवल वाली बात होती है। तो मैं जो कहना चाहता कि सरकार क्रांतिकारी कदम उठाई है, तो क्या सरकार कदम क्रांतिकारी कदम उठाई और उसमें क्या मंशा था, क्या गलती हुई है जो सरकार किसान के विरोध में सोच ली और उद्योगपति के फायदे में? तो मैं वही बताना चाह रहा था कि सरकारें जो प्रधानमंत्री की राष्ट्राध्यक्ष से बात हुई होगी उसमें पता चला होगा कि स्वयं सो कंट्री में देश में अनाज दलहन तिलहन की कमी है, जो भी कमी है, तो उन्होंने योजना बनाया होगा अपने उद्योगपति साथियों से, और तब आया होगा कि जितना आयात निर्यात हम लोग कल कारखाने से जो उत्पादन होता है उसमें करते हैं, यदि कृषि में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके और कृषि उत्पाद को हम विदेश में सप्लाई करेंगे तो काफी फायदा होगा, काफी लाभ होगा। और बात भी सही है, और लेकिन वहां पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अपने, सही बात है कि अपने जो भी उद्योगपति हैं अदानी अंबानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े होंगे जुड़ेंगे उनको लाभ होगा, क्योंकि अभी गेहूं 12 रुपया 15 रुपया 20 रुपये बिक रही है, किसान को 15-20 रुपया ही मिलेगा। लेकिन जो उद्योगपति उस गेहूं को विदेश में लाकर 50-60 रुपये बेचेंगे वो मार्जिन उद्योगपति को जाएगा। तो दूसरी बात ये भी बताना चाह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बहुत सारी समस्या आ सकती है। क्या आ सकती है? एक छोटा सा उदाहरण है, जब हम लोग गांव में किसी दुधरिया को दूध देते हैं जो दूध कलेक्शन के लिए आता है सहकारी कमेटी के द्वारा, तो हालांकि किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ रहता है, फिर भी कोई भी भैंस पालने वाला या गाय पालने वाला अपने पास
दूध नहीं रह सकता है, वो अपने से दूध नहीं बेच सकता है। यदि उसको पता चलेगा कि वो दूध गांव में किसी को बेच दिया है तो उसका वो पैसा काट लेता है और अगले दिन से उसका दूध नहीं लेता है। मतलब अप्रोक्ष रूप से वो ब्लैकमेलिंग करता है। और सोचिए दोस्तों, जब एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगा तो किसान के खेत में 100 क्विंटल चावल की उत्पादन हुई होगी, लेकिन वो अपने पड़ोसी को मदद नहीं कर पाएगा, 2 क्विंटल चावल 2 क्विंटल गेहूं नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि यदि जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कंपनी, उनको पता चलेगा वो उनका गेहूं लेगा नहीं, धान लेगा नहीं, और किसान फंस जाएगा। ये सारी दिक्कत है। अवसर तो था, अवसर तो है, अवसर है कि सरकार ये जो जिस प्रकार मैं एक पेन का एग्जाम्पल दिया, एक टेबलेट का एग्जाम्पल दिया कि उस पर लिख दिया है कि MRP 10 होगा, वो 10 में ही जाएगा। MRP 20 लिख दिया टेबलेट का, 20 में ही जाएगा। उत्पादन से भंडारण से कोई लेना देना नहीं। तो जब दूसरी चीजों की उत्पादन से कुछ लेना देना नहीं है प्राइस का, तो फिर कृषि उत्पाद को भी हम MSP मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस से क्यों नहीं जोड़ दे और उसको 100% MSP पे कर दे, ताकि न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। मतलब कोई भंडारण करे और ना भंडारण करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि MSP तय है। पेन का यदि मूल्य तय हो गया कि 10 रुपए में बिकेगा तो कोई भंडारण ही नहीं करेगा। क्यों भंडारण करेगा? आज वही मिल रहा है कल वही मिलेगा। तो मतलब भंडारण के लिए कानून अलग से लाना ना लाना कोई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग अपने आवश्यकता के अनुसार अपने पास अनाज रखेंगे और जो बचेगा वो सरकार खरीदेगी, और अन्य देशों में जहां पे जिस चीज की जरूरत है उस देश में सप्लाई करेगी और वहां से मुनाफा सरकार कमाएगी। जो मुनाफा किसी कंपनियां को जाती थी जाएगी एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा, वो सारे फायदा गवर्नमेंट को जाएगी। और मेरा मानना है कि कृषि उत्पादन से ज्यादा क्षमता किसी भी उद्योग में नहीं है। सरकार जानबूझ करके, पहले की सरकार तो आंख बंद किए हुए थी, लेकिन ये सरकार आंख खोली है तो बस उद्योगपतियों के लिए खोली है, उनको फायदा पहुंचाना चाहती है। यदि वास्तव में सरकार किसान की ही तैसी है जैसे एक दो फैसला लेकर के साबित की है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पूरी जवाबदेही, पूरी की पूरी जवाबदेही सरकार तय करे, सरकार ग्रांटर बने। मान लीजिए कि कोई किसान अपने खेत में 10 कट्ठा खेत में 50 क्विंटल चावल का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लिया है, यदि सरकार, यदि उस किसान को जरूरत है तो सरकार 50 क्विंटल के बदले, सरकार 50 क्विंटल के बदले उस किसान को या तो लोन के रूप में या गारंटी के रूप में उसका कम से कम 80% राशि उसको आवंटित कर दे। और अब मैं इसलिए कह रहा हूं ग्रांटर सरकार बने, यदि आपको लगता है कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं, तो तीर मारने में हमें डर है, हमारे किसान भाइयों को डर है। क्या डर है? कि काल होकर के वो गुणवत्ता के नाम पर, भंडारण के नाम पर
और विदेशों में मांग नहीं है के नाम पर यदि हमारा सामान नहीं खरीदता है तो किसान के पास तो भंडारण के लिए जगह नहीं है। और जो खर्च वो खेती के दरमियान मतलब जुताई में, बुआई में, निरौनी में, सिंचाई में और खाद डालने में इस सब में किया रहेंगे, उस उसका भरपाई कहाँ से होगा? तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो किया रहेगा, अनुबंध किया रहेगा जो भी कंपनी, वो ब्लैकमेल कर सकता है और यदि वो अदालत में जाएगी तो वर्षों लग सकता है। और ये सब समय किसान के पास ना तो आर्थिक रूप से है और ना ही कानूनी रूप से वो मजबूत है, जबकि सारी कंपनियां कॉरपोरेट के पास, एक कॉरपोरेट सेक्टर होती है जो कॉरपोरेट का केवल केस लड़ता है, उनका काम केवल केस लड़ना होता है और किसान के पास इस प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। तो यदि सरकार रियली में जवानों किसानों का भला चाहती है तो सरकार ग्रांटर बने। देश का किसान ढेर सारी समस्याओं से प्रत्येक वर्ष जूझ रहा है और सरकार की उदासी रवैया के मद्देनजर हर वर्ष लगभग 3600 किसान 3600 किसान आत्महत्या को मजबूर होते हैं। और यह आंकड़ा कोई मेरा या किसान संगठन का आंकड़ा नहीं है, यह आंकड़ा सरकार द्वारा गठित एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार है। और एनसीआरबी के ही आंकड़ा के माने तो 1995 से लेकर 2018 तक 1995 से लेकर 2018 तक भारतवर्ष में 2,96,438 किसान आत्महत्या की घटना हुई है। ये बहुत बड़ी आंकड़ा है और ये आंकड़ा अपने मर्जी से नहीं हुई है। इसमें कैसे हुई है ये घटना? किसान पूरा तन मन धन लगा करके खेती करते हैं और प्रकृति आपदा आ जाती है और जो भी किसान जुताई में, बुआई में, बीज में, खाद में और जितना भी प्रकार का खर्च किया रहता है, एक या तो तुषारपात हो जाने से या ज्यादा बारिश हो जाने से या सूखा पड़ जाने से बर्बाद हो जाता है। और सरकारें ऋण किस आधार पर देती है? एकड़ पे 5,000 जो एक कट्ठा में लगभग खर्च हुआ रहता है और एकड़ पर सरकार तय करती है और वो किसान 10-15 एकड़ की खेती बर्बाद हो जाता है, वो लगभग 1,00,000-2,00,000-3,00,000 के कर्जे में दब जाता है और बैंक वाले उनके घर आकर के बेइज्जती करते हैं। बैल हाल, आजकल तो हाल बैल है नहीं, ट्रैक्टर और जो भी जिस प्रकार का भी है, रिकवरी एजेंट, एक नया नाम आया है रिकवरी एजेंट, गाली गलौज से मार पीट सब तरह की घटना को अंजाम देते हैं और परिवार के सामने बेइज्जत करते हैं। और इन्हीं सबसे तंग आकर के मैं केवल एक घटना नहीं बता सकता हूँ कि केवल रिकवरी एजेंट, बट जो आत्महत्या होती है किसानों द्वारा की जाती है उसमें बहुत बड़ा तबका ये जो रिकवरी एजेंट के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है उनके वजह से होता है। तो मैं बता रहा था कि 2,96,438 किसान 1995 से 2018 तक आत्महत्या किया, ये सरकार का आंकड़ा है नेशनल क्राइम
रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। और सुनकर ताजुब होगी कि जिस राष्ट्र के कृषि मंत्री, जिस राज्य के कृषि मंत्री ज्यादा दिन तक रहे और वो उस राज्य के मुख्यमंत्री भी लगभग 25 साल 20 साल रहे और उनके राज्य महाराष्ट्र यानी शरद पवार जी जो काफी दिनों तक कृषि मंत्री रहे और उससे पहले लगभग 15 से 20 वर्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, उनके प्रदेश में महाराष्ट्र में लगभग 60,000 किसान आत्महत्या किए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इससे पता चलता है कि कितनी घटिया और गंदी राजनीति की जाती है, जहां के कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए भी वहां के किसान किसान हितैषी शरद पवार को लोग मानते हैं, उसके बावजूद भी उस स्टेट का किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं, तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। और राज्य में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या की घटना नेताओं की गंदी राजनीति का पोल खोल कर रख देता है। किसानों को आज तक कोई भी सरकार गंभीरता से नहीं लिया, तो तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा सा ध्यान दिए तो चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल जी और हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी तो किसानों के मसीहा के तौर पर उभरे थे, परंतु देश के किसानों का दुर्भाग्य था कि उनकी मृत्यु एक हादसा बनकर रह गया और किसानों का दुर्भाग्य आज तक पीछा कर रहा है। मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ कि भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो बिहार के हाजीपुर से संबंध रखते हैं और रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीतने का वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके हैं, मैं उनके काम करने का तरीका एवं जज्बे का सलाम करता हूं। मैंने जब भी देखा और जिस मंत्रालय में देखा उन्होंने उस मंत्रालय में क्रांति ला दिया, रेल मंत्रालय में चार चांद लगाया, कोयला मंत्रालय में विकास के एवं उत्पादन के नया आयाम लिखा, जब उन्होंने दूर संचार मंत्रालय संभाला उससे पहले कोई दूर संचार मंत्रालय की अहमियत नहीं देता, लेकिन जब रामविलास पासवान जी दूर संचार मंत्रालय संभाले उसके बाद उन्होंने भारत संचार निगम लिमिटेड का स्थापना करके भारत के गांव गांव गली गली में दूर संचार की लाइनें बिछा दी गई और उन्हीं का देन है कि आज गांव गांव के दूर सुदूर पहाड़ी पठारी आदिवासी इलाकों तक में टेलीफोन इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब आदमी में कार्य करने की इच्छा शक्ति हो और तरीका मालूम हो तो विभाग से कोई फर्क नहीं पड़ता है और श्री रामविलास पासवान जी जिस मंत्रालय को संभालते थे अगले बार उस मंत्रालय का अहमियत और महत्व काफी बढ़ जाता था। मुझे याद है कि जब श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री रामविलास पासवान जी दोनों यूपीए के हिस्सा बने तो दोनों में रेल मंत्रालय को लेकर काफी खींचतान हुई, काफी बहसबाजी हुई, अंततः रेल मंत्रालय श्री लालू प्रसाद यादव जी को मिला और श्री लालू प्रसाद यादव जी ने भी रेल मंत्रालय को एक नया आयाम दिया तथा हवाई यूनिवर्सिटी में श्री लालू प्रसाद यादव जी
रेलवे को घाटे से उबार कर 99,000 करोड़ का लाभ पहुंचाने के लिए मैनेजमेंट गुरु के रूप में जाने गए और हवा यूनिवर्सिटी में जा करके उन्होंने लेक्चर दिया। उपरोक्त सारी बातें बताकर एक तरफ में बिहार के काबिल नेताओं और बिहार बुद्धि का लोहा दुनिया मानती है ऐसा बताने का कोशिश किया हूँ, तो दूसरी तरफ ये भी बताने जा रहा हूँ कि अब तक की पूर्ववर्ती सरकारें किसानों की ताकत का नजरअंदाज किया है, परंतु भाजपा की सरकार और जो नरेंद्र मोदी के जी के अंदर जो सरकारें गठित हुई है वो किसानों के महत्व को समझे हैं, हालांकि कुछ गलतियां हुई है जो इसको यदि सुधार करके लागू किया जाए तो हर किसान सुखी संपन्न और समृद्ध होगा, जिसकी चर्चा में ऑलरेडी कर दिया। और वास्तव में किसानों का भलाई के सोच कर सरकार संशोधन लाती है तो उसमें बस ज्यादा नहीं दो चार बातें जोड़ दे तो किसान की समस्या का हल हो जाएगा। पहला तो है कि किसान आयोग का गठन कर, किसान आयोग का गठन करने से क्या होगा कि किसान की भलाई के लिए, किसान की खेती करने के लिए, किसान का कौन सा खेती करना है, किस मौसम में कौन सा फसल, किस फसल का उत्पादन ज्यादा करना है, किस फसल का विदेशों में ज्यादा मांग है, ये उनको पता चलेगा और उस आंकड़े के अनुसार खेती कर पाएंगे। जिस ये नहीं रहेगा कि ये खेती ज्यादा कर दिया तो इसका दाम कम हो जाएगा, ये खेती कम हो गया तो इसलिए इसका दाम ज्यादा हो गया, इस प्रकार की भगदड़ नहीं मचेगी। दूसरा, एमएसपी सभी कृषि उत्पाद पे 100% कर दीजिए, ये सरकार कर सकती है। हालांकि अभी तक तो जो भी सरकारी की है घोषणा कर देती है लेकिन केवल 6% किसान, केवल और केवल 6% किसान ही एमएसपी पे अपना उत्पाद बेच पाती है, बाकी ये लोग हार थक करके ब्लैकमेल का शिकार होकर के खुदरा मार्केट में, ओपन मार्केट में कम दाम में बेचते हैं। लेकिन सरकार यदि वास्तव में भला चाहती है तो एमएसपी 100% लागू कर दे, उससे क्या होगा कि ना तो उत्पादन और ना तो क्या बोलते हैं भंडारण के लिए कानून लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब एक बार कीमत तय हो गया उसे आप ज्यादा बेच नहीं सकते तो कोई भंडारण करेगा नहीं, जिसको जितनी आवश्यकता होगी उतना भंडारण करेगा, फिर भंडारण कौन करेगा? तो भंडारण के लिए एफसीआई है जो भंडारण करती है, तो भंडारण के लिए अलग से कानून लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सरकार किसानों के लिए ग्रांटर बने कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कंपनियां साइन करती है वो नहीं देती है, समय पर नहीं खरीदती है तो सरकार उस राशन को खरीदेगी। और मेरा तो मानना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ही हटा दिया जाए और सरकार डायरेक्ट अपने कंपनी से अनुबंध करे और पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो जन वितरण प्रणाली केंद्र है ब्लॉक में गांव गांव में है जिसके द्वारा हम राशन
देने का काम करते हैं, राशन तेल चीनी का देने का काम करते हैं। जब एमएसपी पे वही राशन जन वितरण प्रणाली केंद्र के द्वारा किसानों का खरीद बिक्री शुरू कर दिया जाए और सरकार अपने स्तर से कॉन्ट्रैक्ट करे कंपनी से, ताकि बीच में किसान किसी कंपनी के बीच में लड़ाई के झगड़ा ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो, क्योंकि कभी क्वालिटी के नाम पर और कभी विदेशों में मांग के नाम पर, ना मांग के नाम पर, उत्पादन के नाम पर कंपनियां ब्लैकमेल कर सकती है। तो मेरा सुझाव है कि जन वितरण प्रणाली केंद्र जो बने हुए हैं गांव गांव में है, उसके माध्यम से आसानी से किसानों की सामान की वस्तुओं की खरीद की जा सकती है और सरकार इकट्ठा करके अपना कंपनी को बेचे, या मैं तो कहूंगा कि कंपनी को न बेचे, डायरेक्ट अपना एफसीआई के थ्रू विदेशों से संपर्क करें, जहां 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 जिस चीज की डिमांड है वहां भेजे। तो जन वितरण प्रणाली को मजबूत करेंगे और एमएसपी को 100% करने पर ना तो भंडारण की समस्या होगी और ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जरूरत होगी और किसान भी खुशहाल होंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे और उत्पादन क्षमता अपना, मैं मानता हूं कि 5 वर्ष में किसान सुखी संपन्न हो जाएंगे और राष्ट्र भी एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरेगा, जिसका जिसमें हर नागरिक का अर्थव्यवस्था उभरे पढ़ाई वृद्धि होगी और लोगों के रहन सहन सुखी संपन्न संपन्नता आएगी, तो विकास दर में वृद्धि होगा। लेकिन सरकार विदेश में उनको संपर्क करना पड़ेगा, जो आपदा को अवसर में बदलने वाली बात है वो बात बिल्कुल सही है। सरकार या तो कंपनी के द्वारा करती है, तो सरकार किसान और कंपनी के बीच में करार ना कराए, सरकार कंपनी से करार करे और एमएसपी जो घोषणा करती है उस पे जन वितरण प्रणाली केंद्र के द्वारा वो हमारा जो भी वस्तुएं हैं उसको खरीदे। तो जो भी उपाय था मैं आपके पास चर्चा किया और सरकार से आग्रह करूंगा कि किसानों की समस्याएं जो 3 कृषि संशोधन अधिनियम लाए हैं उसमें या तो सुधार करें या उसको वापस लाए, और किसान संगठनों से आग्रह करूंगा कि जो भी असामाजिक तत्व वहां पे घुसपैठ कर रहे हैं, चाहे वो खालिस्तान की मांग कर रहे हो, सीए राशि का वहां पे कुछ कर रहे हो या अन्य कोई भी देश विरोधी बातें कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, नारा लगा रहे हो, पाकिस्तान जिंदाबाद लगा रहे हो, उनको उनको आप खुद वहां पे सजा दीजिए, किसान संगठन खुद घेर करके उनको लताड़ लगाइए, ताकि एक एग्जांपल सेट हो कि हम देश के हित में और किसान के हित में यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं, ना कि देश के विरोध में किसी भी तरह के विरोध का करने आए हैं। अतः इतना ही कह करके मैं अभी अपना वक्त समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।